हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? गुलाब देवी। गुलाब देवी। तो शुरू शुरू में जब आप आई थी तब कैसी स्थिति थी इनकी? शुरू शुरू में मैम काली हो रही थी, मटमैली हो रही थी, खाल खराब हो गई थी, बिल्कुल उठा नहीं जाता था, कमजोर हो गई थी, दो दो बार डायलिसिस हो गई इनका, फिर सूजी हुई थी, और दमा भी बनता था, पेशाब बंद कम हो गया था बिल्कुल ही। हाँ, बीच बीच में बंद भी हो जाता था, चलने फिरने की स्थिति नहीं थी। हाँ। पानी भी पीती तो उल्टी हो जाती थी। हाँ। अब सही है। लिवर पर उस समय तो बहुत ज़्यादा सूजन थी इसके। हैं हाँ। और 8 दिन, हाँ 8 दिन में काफ़ी थोड़ा इम्प्रूवमेंट था, लेकिन पूरा नहीं था। हाँ, अब घाव भर गए हैं, थायराइड की जो घाटी सही हो गई है। वो तो उसका था जो फिशुला बनाया था। हाँ। है ना, फिशुला बनाया था ना डायलिसिस के लिए, वो तो 8 दिन में ही भर गया था, दवाइयों से भर गया, हमने कुछ भी नहीं किया उसमें, हाथ भी नहीं लगाया। और तो बोला था 5 दिन के बाद डायलिसिस पे आना पड़ेगा, लेकिन अब 2 महीने हो गए। हाँ, और ईश्वर की कृपा से शायद कभी अब जाना भी नहीं पड़ेगा, जो क्योंकि पेशेंट की स्थिति बहुत अच्छी है, शानदार है। जो ये चेहरे पे चमक दिखाई दे रही है, ऐसी चमक होती है क्या कभी पेशेंट के चेहरे पे? नॉर्मल है, और शायद आगे भी नॉर्मल ही रहेगी बिल्कुल। उस समय तो मुझको भी उम्मीद नहीं लग रही थी कि ठीक हो पाएगी क्या, पर तुमने इसको 15 दिन की दवा को थोड़ा थोड़ा कर करके 1 महीने में खिलाया। थोड़ा थोड़ा खिलाती थी तुम, पूरे दिन का डे रूटीन जो था फिक्स, उस पर बहुत ध्यान रखती थी। कितना मुश्किल होता है वो दवाइयाँ देना मेरी? होता है मैम, टाइम फिक्स होना चाहिए, नहीं तो फिर सारा ही काम खराब हो जाता है। एक एक घंटे में दवाई दिलवाई, घंटे में कोई दवाई 2 घंटे की होती है, खाने का ध्यान रखना पड़ता है। ये कुछ भी मांगती थी तो खाने का ध्यान, ना कुछ भी मांगा तो दिया नहीं कभी, दिया नहीं। और कई बार चेंज भी करती थी मैं चिकित्सा को, भाई अभी ऐसी स्थिति है तो इसको मत दो, इसको दो। हाँ, बीच में हालत खराब हुई थी, लेकिन फिर अपन ने चेंज कर दिया, तो फिर उसके बाद ज्यादा कवर हो गई हालत, प्लाज्मा चढ़ाने के बाद। प्लाज्मा चढ़ाने के बाद कवर हो गई, ज्यादा कवर हो गई। तो उसके बाद में फिर तुमने अपने अनुसार ही इसको थोड़ा फूड का ध्यान रखा, वही टाइमली परहेज भी पूरा करवाया, गर्म पानी नहीं दिया बीच में, मैंने तो कह दिया था ठंडे पानी का, लेकिन इसने खुद ने भी इस चीज का ध्यान रखा। और इसने मौसम मना के अनुसार उन्होंने हमेशा गर्म पानी लिया, फिर अब जाके ठंडा शुरू किया, फिर कभी कभी जैसे सर्दी से हो जाती है तो नहीं लेती है ठंडा पानी। अच्छा, मिलने मिलने कौन कौन आता है इनसे, कोई आता है? अब तो कोई नहीं आता है मिलना, क्योंकि इसको दिखाना नहीं, इसका चेहरा नहीं दिखाना है किसी को भी, अभी कोई नहीं आया। हाँ, दरअसल क्या है कि लोग सोचते हैं अरे अरे ठीक हो गई एकदम से, ऐसे लगता है ना उनको, मैंने कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए और इसको बाहर निकाला है ना। अभी ईश्वर की कृपा है, और ये अभी अभी थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ मैं इससे, ठीक है संतुष्ट हूँ, पर इतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी एकदम चमड़ी इसकी बिल्कुल एकदम सही होगी उम्र के अनुसार। हाँ। जो जिस जो उम्र है ना इसकी, अभी ये 60 साल की लग रही है। हाँ। इसकी उम्र है 40 साल की। हाँ। है ना, तो इसको 40 साल का ही करेंगे, 35 का कर देंगे इसको, ऐसी जवान हो जाएगी ये, ऐसा करो है। हाँ, ताकि वो लड़ाई करें। लड़ाई नहीं करनी, अगर लड़की से लड़ाई कर, क्योंकि ये जो आज इसने बोला ना, ये बोलती नहीं है, बहुत शांति लड़की है, तो इसका मतलब ये बहुत परेशान करती हो तुम इसको। नहीं, बहुत ज्यादा करती हूँ। हाँ, अब देख लो, समझ में आ गया ना, तभी मतलब मैंने दवाई इनको आज लाने के लिए भी कल से प्रिपेयर किया है, जब जाके आ जाइए। कैसी हो माँ तुम बताओ, और ये बेटी, ये बेटी तो तुमको मिलती नहीं है, किस्मत से मिली, जब जाके अभी आई है वो। 3 बजे से मैं रो रही हूँ, मुझे रुला रही हूँ नहीं आने के लिए, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, पैसों को बचाने के लिए है ना, पैसे खर्चो, गरीबी का गरीब तो है ही, खैर पैसे भी लग जाते हैं, लेकिन उसमें मैं मदद नहीं कर सकती, समाज के मैं इस पर बोलूंगी नहीं, इस पर वो अच्छा नहीं लगता, अशोभनीय लगता है। मेरा तो मानना यही है कि हर व्यक्ति को ही अगर मंदिर समझ लिया जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे मंदिरों में दान कर सकते हैं बचाने के लिए, लेकिन अब नहीं है, परंपराएं अलग हैं तो क्या करें। लेकिन जैसे अभी बीच में दवाई छूट जाएगी तो फिर पहले की कंडीशन पे आ जाएगी, जो रिकवरमेंट हुई जो खराब हो जाएगी सारी। 3 बार की दवाई मेरी लेना जरूरी होता है, फिर उसके बाद मैं तो डाउनफॉल पे आ जाती है वो दवाई, फिर कुछ अलग तरह की, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, धीरे धीरे वो चलती रहती है, फिर मुझे चिंता नहीं रहती अपने पेशेंट के लिए, ये मेरी शोध है। और तुम्हारे जैसा ओबीडियंट
मतलब पेशेंट का अटेंडेंट, तो कई फैक्टर होते हैं। दवाई अच्छी होनी चाहिए, चिकित्सक जो डॉक्टर है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तीसरा, अटेंडेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, पेशेंट आज्ञाकारी होना चाहिए, तब पेशेंट ठीक हो जाता है। और इसको तो हमने आज्ञाकारी क्या थप्पड़ मार मार के आज्ञाकारी बनाया है, नहीं तो बीच बीच में तो ये भी छोड़ रही थी अपनी, है हाँ, ना। अभी भी देखो आप कैसे रहती है। अब हाँ थोड़ी सही हो गई तो सुनती नहीं, मन हाँ मर्जी करती है ना। हमें समझ गई, वो सारे पेशेंटों का ये होता। कभी कभी कहते हैं भाई मिर्च खाएंगे, हम तो मिर्च अच्छा, हरी मिर्च तो खुद की खाएंगे खुजली हुई फिर ना, अपने आप बंद कर दी ना उन्होंने, वही ना। एक बार खाते ही हो गए, अपने आप बंद हाँ कर मैंने कहा था, मैंने कहा इसको दी। खिला खिलाओ मैंने तो खिलाओ। बोल दिया अपने भैंस से कुछ मत बोल, अपने आप हो जाएगी, हाँ खुद ही रुक गई। फिर हाँ मिर्च खाई खिलाई तुमने खुद ऐसा। खाइए अपनी इच्छा से सिर्फ, हाँ फिर खुजली हो गई, फिर अपने आप बंद कर दी। अच्छा रहा एक ना। बार ही खाई बस, हरी मिर्च खाई, स्वाद खाई उससे तुमने। क्या, पेशेंट कहता ठीक होने पर कहता नहीं मैं तो खाऊंगा, तो खाते ही उसको खुजली हो जाती है। और खुजली ये तो उसकी तो ठीक हो गई, कई बार एक एक महीने तक ठीक नहीं होती है। हाँ हाँ बहुत मुश्किल होता है निकालना, लेकिन मन मर्जी करता है ना ठीक होने के बाद, तो फिर तो वो हाँ नवाब हो जाता है पेशेंट। ये है, तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे लिए भी बेटा कि तुमने इसकी बहुत ध्यान रखा, और इसमें थोड़ा मेरा भी यश रहता है ना। हाँ किडनी फेलियर का केस ऐसे संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है ऐसा, सही में, ठीक है कि नहीं। हाँ हाँ कोई इंटरव्यू वगैरह है तो जब ये पूरी ठीक हो जाए तो फिर इसका पेपर में छपाएंगे राजस्थान पत्रिका में, हाँ मैम, ठीक है। क्योंकि बड़ा बहुत हॉस्पिटल में सा छपा दीजिए का नाम, चुनिंदा राजा, बहुत सारे बहुत लोगों जल्दी बाहर को बेचारा। सूचना मिल जाएगी। आज में कुए हमारी हैं फैमिली में कुए हैं, मैंने तो कहा हो पर गया वो सब तो पैसों की वजह डॉक्यूमेंट से, भी मैम किया सब हमने, पैसे उनके डाल पास रहे पैसा नहीं दोनों है, को, उनके चार चार बेटे हैं उनके बावजूद भी वो लोग फिर भी उसका देखो इलाज नहीं कर रहे, डायलिसिस करवाने पे लग रहे हो। हाँ ठीक है, इससे महंगा कुछ ऑयल दिनों है। बाद परेशान हो जाएंगे फिर अपने आप, क्योंकि डायलिसिस भी पैसे से होती पैसे है। से होता है हाँ उनका, और हाँ डायलिसिस में ढाई पता हजार नहीं रोज रुपए लगते हैं। सरकार दे रही है ना जी सर, तो कितना कितना दिन दे देगी देगी, कितने सरकार, दिन दे देगी और खुद सरकार। कितना चले जाएंगे अब बार यह बार। आओगी दवाई ले मको दोबारा, बोलो इसको दोबारा बोलो, डायलिसिस हो रही है पर हाँ डायलिसिस फ्री। हो रही थी मामी जी की, हाँ पर वो सरकार दे रही है पैसा, इसलिए डायलिसिस हाँ करवा रहे हैं, सरकार है दे रही है, ना। नहीं होगा हाँ जब माता पिता इंसान की मर बात है जाएगा ना, डायलिसिस करवाते करवाते, फिर सरकार डायलिसिस मेरी आदमी कैसी को। हालत होगी जी, बिल्कुल मरबान होगी जी, मैं हाँ फिर तुमने मना कर दिया कि नहीं मना कर सब। दिया, ये छोरी लिया ही मैंने। तो अब तो तुम अब तो सही ठीक हो से एक गई, बार देख जैसे लगता है जैसे मौत के मुंह में आ गए, मौत की मौत का मुंह ही है बेटा, जो जितने लोग वहां करवाते हैं बैठ ना के ऐसे लगता है जैसे कब्रिस्तान में बैठे हैं, कब्रिस्तान में बैठी हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। और कान में ऐसे उनकी मैंने वापसी आने मैंने लगी। ये संकल्प लिया है कि ईश्वर की कृपा से जो यहाँ मेरे पास आ जाएंगे ना, तो अभी आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पहले शुरू शुरू में एक दो जिनकी डायलिसिस हो गई थी ना, तो उनके घर वालों ने बहुत ध्यान नहीं रखा था, तो उनके पैसे लगने के बाद भी एक महीने तक डायलिसिस नहीं होने दी मैंने, उसके बाद और वापस ले जाना काफ पड़ा पेट का उसको। बेटा बेटी से तीन तीन बेटा से जो इलाज कौन करा रहे बोलो, मामा जी लेर पड़े तुम छोरा, बहुत भाग्यशाली हो। मारे छोरा छोरी मन लेर भागे छो, नाम तो लड़ाया कर छो, हाँ तुम बहुत भाग्यशाली हो, चाल मम्मी चाल मल्ली सुहानी सी लाग रही थी, बहुत भाग्यशाली हो भाई, ऐसे बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं, सही तुम्हारे, ये पढ़े लिखे बच्चे करती हैं हुई और लड़ रही है हूँ बड़े मजदूर हुए के लेट बेटे हो जाए, बच्चे, लेकिन ये एक दिन अफसर बनेंगे, ये मेरी आशीर्वाद बढ़िया है। जी भाई लाग जाओ तुम्हारे तीन, मारी भी जिंदगी सुधर जाओ आज तक, क्या कहो, ये लग अफसर जाओ बनेंगे, ये एक दिन बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे बढ़िया चलेगा, हैं। मैं पूरा राजी कर जाऊंगी, मार तो लाग गया फिर हाँ अफसर फर्जी बनने टाइप की लाग चाहिए ऐसे जाऊंगी, बच्चे जो माँ बाप की सेवा करते हैं। सेवा ठीक तो है खूब थैंक करे यू जी भाई, बेटा, थैंक यू हैं। भाई।